नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आपको बता दूं कि आज बदरवा के भल्लारा पंचायत के पूर्व सरपंच रतन सिंह का संदिग्ध परिस्थितियों में आज उनका शव जो है बरामद हुआ, जिसके पास आसपास पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल गई। और आपको बता दूं उसके बाद मौके पर वहां पर पुलिस को जो है सूचना पहुंचाई गई और पुलिस वहां मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की जाँच जो है वो शुरू कर दी गई है। पर आपको बता दूँ कि जिस तरह से उनके शव में कुछ उनकी बॉडी पर कुछ निशान पाए गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल जो हैं वो वहाँ पर खड़े हो रहे हैं। पर फिलहाल पुलिस जो है अपनी तहकीकात करने में लगी हुई है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता केहर जो है बदरवा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो केहर, आपसे जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या था और क्या कुछ अभी तक इस मामले में पूरी तहकीकात जो है चल रही है, अभी तक कोई अपडेट सामने आया? जी, ये कल शाम को सबका सरपंच जो बलारा के थे पहले रतन सिंह जी, अपने रिश्तेदार के घर गए थे। 2-3 किलोमीटर दूर उसके गांव से गुरुंद्रा का रहने वाला था वो, जो पंचायत बलारा आता है, तो ये अपने रिश्तेदार के घर गया था। और रात को लगे पुलिस के मुताबिक शायद ये रात को वापस आया होगा या सुबह आया होगा। तो इतने में एक सुबह जो 4 बजे एक लोकल गाड़ी वहां से गुजरती है, उसने उसका शव देखा पूरा, जो सिर से खून बह रहा था। और उसने उसको नजदीक जाकर देखा तो वो मारा हुआ था। इतने में पुलिस को उसने जानकारी दी, वहां पर जो बदरवा जो SDPO है SHO ठाठरी, वो पूरी पुलिस आ चुकी थी और उसको जो है तब तक वो मर चुका था। लेकिन बहुत ज्यादा खून बह रहा था और कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां पर जो रास्ता है, हिली एरिया है, ढलान वाला जो रास्ता है, तो लगता है कि शायद वहां से गिरकर उसकी मौत हुई हो। लेकिन फिर भी पुलिस जो है पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या ये मामला कोई मर्डर का है या खुद उनकी मौत जो है गिरने की वजह से हुई है। बिल्कुल कह रहे, क्योंकि बताया जा रहा है कि मृतक के सिर और शरीर में बात करें तो कुछ इस तरह के हिस्सों में चोटों के निशान जो है साफ तौर पर देखने को मिले। जी, जो सिर था, सिर से पूरी तरह जो खून बह रहा था। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा पता लगाया जाएगा कि क्या वो मर्डर है या उनकी मौत जो गिरकर हुई है। क्योंकि जो चोटें हैं फिलहाल सिर में लगी थी और टांग भी टूटी हुई थी और भी कहीं जो पार्ट्स बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी जख्मी है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस इस बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है कि आखिर ये मामला क्या हो सकता है। खैर, वहीं अगर परिवार की तरफ से बात करें तो उनकी तरफ से कोई इस तरह का कोई बयान सामने आया हो? जी, सुबह जब मौत हुई थी वहां पर पुलिस वाले भी आए थे, हम भी वहां पर पहुंचे थे मौके पर, तो उसके दो भाई वहां पर मौजूद थे, उनके जो जीजा वहां पर मौजूद थे। लेकिन किसी को भी वो जो शव था शव की पहचान नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अब अलग रहते हैं, अलग मकान में रहते हैं। तो जीजा जी भी उसके वहां पर थे, वो भी पूरी तरह वो देख रहे थे कि ये यहाँ का बंदा नहीं हो सकता, ये कहीं बाहर का है। जो उसके दो भाई थे वो भी फोटो खींच रहे थे, पहले जो उसका भाई था उसने वो शव की जो फोटो है वो सोशल मीडिया में फैलाए थे कि कोई मर गया है, उसको भी उस चीज की जो पहचान नहीं आई कि आखिर ये बंदा कौन है। लेकिन जब उसके फोन पर जो मरने वाला जो रतन सिंह है उनके फोन पर फोन कॉल आती है, तो पुलिस पकड़ती है फोन, तो पूछती है कि आपने किसको फोन लगाया, तो तब जाकर पता चला है कि ये बंदा जो है इसी इलाके का है, यहीं का रहने वाला था, जिसकी मौत हो चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केहर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। संवाददाता केहर थे बदरवा से, जिसने बताया कि जब वहाँ पर कहीं ना कहीं संदिग्ध परिस्थितियों में जब वो शव बरामद हुआ तब उनके परिवार वाले भी उन्हें नहीं पहचान पाए, उन्होंने भी सोचा शायद ये कोई शव जो है किसी बाहर वाले व्यक्ति का है। पर उसके बाद जिस तरह तहकीकात की जाती है और फोन कॉल्स जो है वो देखी जाती है, उसके बाद पता चलता है कि उन्हीं के परिवार के सदस्य थे जो कि बलारा पंचायत के पूर्व जो है सरपंच है रतन सिंह का जो है आज शव पर जो है संदिग्ध परिस्थितियों से बरामद हुआ। हालांकि उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है मौके पर और शव को अपने कब्जे में ले लिया जाता है और अभी भी जो है आगे की तहकीकात जो है वो जारी है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनके शरीर पर कुछ जो है चोटों के निशान भी देखे गए, तो उसके बाद कई सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हैं। पर फिलहाल पुलिस जो है इस वक्त पूरे इस मामले में तहकीकात करने में लगी, जैसी कोई अपडेट सामने आएगी जरूर जेके न्यूज़ पॉइंट आपको सबसे पहले अपडेट करेगा। पर फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ।